हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जितेंद्र कुमार। आप लोग का स्वागत करते हैं आपके ही चैनल टेक्निकल जितेंद्र यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को एक धासु कमाल का ट्रिक बताने वाला हूं गाइस। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर देखना गाइस, नीचे यहाँ पर सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा नीचे, उसको दबा कर ऑन कर लीजिए और ऑल पर दबा कर कीजिएगा गाइस, जिससे कि मेरा हर आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए दोस्तों, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आज मैं जो आपको तरीका जो ट्रिक बताने वाला हूं वो गाइस बहुत सिंपल सा ट्रिक है गाइस। तो आप लोग को करना क्या है, आप लोग एक प्रोडक्ट एक सामान व्यवस्था कर लेना है, जिससे कि आप लोग को जब जुआ खेलने जाएंगे तब आप लोग को इस्तेमाल करना होगा। तो देखो गाइस, इसमें कोई मैं ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, कितने लोगों को होता ये है कि उनके गाइस लक बाय चांस होता है या उनके भविष्य में गाइस जो होने वाला होता है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है, तो उनको गाइस वो उससे नेगेटिव एनर्जी होती है, जिससे कि वो आपको आगे कोई भी काम करते उसमें सफल नहीं हो पाते। तो उसी का तोड़ मैं लाया हूँ, उसी का मैं एक टोटका लाया आप लोगों के लिए। उस टोटके को अगर आपके साथ अपने लेके जाएंगे तो आपका 100% रिजल्ट सही आएगा। चलिए, क्या है अभी मैं आपको दिखाता हूँ वो चीज़। तो वीडियो को साथ बने रहिएगा शुरू से लेकर एंड तक। तो देखो, सबसे पहले मैं एक नॉर्मल बताता हूँ कि आपको ऐसे मान लो कोई भी पत्ता कहीं से भी कुछ भी काट लो, जैसे कि देखो मैं यहाँ से एक पत्ता काट लिया, कि बादशाह कटा है ये अंदर बाहर कहीं भी जा सकता है। अभी इसमें कोई मैं ट्रिक नहीं लगाया हूँ, तो आप लोग को मैं दिखा दूँगा एक बार, इसके बाद आपको मैं फिर ट्रिक के ऊपर लेके चलता हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, जैसे कि ये बादशाह मैं नॉर्मली कर रहा था तो ये पत्ता अंदर आ चुका है। तो इसी तरह से गाइस आप लोग भी अंदर बाहर के गेम में या थ्री पत्ती के गेम में कोई भी गेम खेलेंगे उसमें 100% जीतेंगे। तो देखो, सबसे पहले कि मैं आपको बता दूँ, तो देखो भाई, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता था कि यहाँ पर देखिए, आपको कहीं कहीं से भी मोर पंख, यहाँ पर जानते हैं कि मोर पंख है, आपको मोर पंख लेना है। मोर पंख लेने के बाद जैसे कि आप लोग जैसे मान लीजिए कहीं भी जुआ खेलने जाते हैं तो उसमें आप लोग का हार होता है, तो मोर पंख का ये होता है गाइस, जैसे आपके साथ कोई भी नेगेटिव एनर्जी है, जैसे कहीं भी आप खेलने जाते हैं तो उसमें हारने का बहुत चांस बहुत ज़्यादा होता है। तो जैसे कि आप अपने मोर पंख अपने पर्स में या अपने जेब में कहीं पर भी इसको रखते हैं, रख के लेकर जाना है, जिससे कि आपको नेगेटिव एनर्जी खटाकर पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ बनाए रहता है, जिससे कि आपका मतलब कोई भी आपके साथ जो गलत नेगेटिव एनर्जी वो उसको दूर हटा देगी और जैसे पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ में रहेगी, जिससे कि वैसे कि आपका कोई भी काम आपका कोई भी अधूरा नहीं रहेगा। तो इस तरह से गाइस आपको एक छोटा सा टोटका करना है, जैसे कि कर लेंगे आप तो इसको आसानी से कहीं भी मिल सकता है, घर घर में या बाज़ार में कहीं पर मिलता है। मोरपंख ओरिजिनल होना चाहिए, प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए गाइस। देखिए, मेरे पास ओरिजिनल है मोर का पंख, तो आपको मैं इसी तरीके के बारे में बताना चाहता था जैसे कि आप लोग इससे अवेयर हो सकें। तो इसको गाइस आप लोगों को जेब में रखना है या अपने पर्स में हमेशा इसको अपने पास रखना है। जैसे अपने पास रखते हैं गाइस, आपके पास गाइस धन जो पैसे कमी वो कभी नहीं रहेगी, धीरे धीरे आपका बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से कंडीशन होता है गाइस, आपको इसे रख कर आपको जेब में कहीं पर भी खेलने जा सकते हैं। जैसे खेले जाएंगे तो बहुत ही कम चांस होगा जिससे कि आप वो लोग वहाँ पर हारेंगे। तो ये था गाइस छोटा सा ट्रिक। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना, ताकि वो भी ऐसे ही गाइस अगर लॉस में आ रहे हैं तो वो भी मोर पंख साथ में रख लें। जैसे कि आप लोग देखते हैं खाली पर्स में मोर पंख रखते हैं तो आपको पैसे कमी कभी नहीं होती है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर